हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की डिटेक्टिव सीरीज में एक नई केस लेकर आ गया हूँ, तो देर ना करते हुए चलिए आज की केस स्टडी शुरू करते हैं। मेहुल और उसके दोस्त कॉफी शॉप में एक सुनहरा दिन का आनंद ले रहे थे। वे चिट-चिट कर रहे थे और अपनी कॉफी का मजा ले रहे थे। कॉफी शॉप के काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी जिसे वह अच्छी तरह से जानते थे। ये लड़की एक सफल गायिका थी और मेहुल का बहुत बड़ा प्रशंसक थी। जब वह उनके पास दौड़ती हुई आई तो मेहुल को बहुत अच्छा लगा। लड़की, मेहुल, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मेहुल, अवश्य, यकीनन, बहुत खुशी होगी। मेहुल एक कागज के टुकड़े पर अपना हस्ताक्षर करके उसे लड़की को देता है। वह लड़की उसे धन्यवाद कहती है और उसके पास से चली जाती है। बस तब एक चमकदार प्रकाश जगमगाया और एकदम सबकी ध्यान हट गया। कुछ देर तक सभी लोग विचलित हो जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि यह क्या हुआ है। जब एक वेटर अचानक वहां जाता है और मेन स्विच को चालू करता है तो सब सामान्यता हो जाते हैं। लड़की, जो मेहुल के पास खड़ी थी, अचानक चिल्लाने लगती है। लड़की, वाह, कोई मेरा हीरे का हार चुरा लिया है। मेहुल चौके से उठता है और उसकी तरफ देखता है। वह देखता है कि लड़की को आकर्षित करने वाला हार लापता हो गया है। लड़की बहुत असहाय महसूस करती है और मेहुल से मदद की उम्मीद करती है। मेहुल जांच शुरू करता है और अपने मित्रों से व वेटर से पूछताछ शुरू करता है। दोस्त, हमने यह नहीं किया है। वेटर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। क्या आप पहले और बाद की तस्वीर देखकर बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? आपके पास है 10 सेकंड का समय। अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपका जवाब वेटर है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पहले आप वेटर के हाथ में जूस का गिलास देखोगे तो वह आधा भरा हुआ है, मगर बाद में वह पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब वेटर ने हार चुरा कर गिलास में छुपाया है। भरा हुआ जूस का गिलास से ये साबित होता है कि वेटर ही चोर है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई केस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।